कालिंदी ने पकड़ा साधना का हाथ, साधना ने मारना चाहा, कालिंदी को एक थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल अनोखा बंधन में आ चुका है। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट शो में हम लोग देखेंगे कालिंदी की घर में बढ़ती उल्टी सीधी हरकतों को देखते हुए साधना उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से ही गुस्से में कालिंदी को एक थप्पड़ मारना चाहती है। कालिंदी यह देख लेती है और वो यह देखती है वहां पर वरदान नहीं है, इसलिए वो साधना का हाथ पकड़ लेती है। साधना का हाथ पकड़कर कालिंदी कहती, मैं आपकी बेटे की इज्जत करती हूँ, आप मेरे पीठ पीछे कुछ भी नहीं कर सकती हैं। कालिंदी साधना का हाथ पटक देती है। यह कहते हुए तभी केतकी वहां आती हैं और वो यह देखकर हैरान हो जाती हैं और वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कालिंदी माँ जी हाथ पकड़ सकती हैं। यह देखते ही केतकी कालिंदी के पास आएगी और कहेगी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई माँ जी की हाथ पकड़ने की। तभी कालिंदी केतकी की बातों का उल्टा जवाब देते हुए कहती है, इनको अपनी इज्जत की इतनी ही पड़ी है, तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाना चाहा, मुझे थप्पड़ क्यों इन्होंने मारना चाहा। कालिंदी की यह बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहीं अब इस टीवी सीरियल का आगे का आने वाला एपिसोड बहुत दिलचस्प होगा। बहुत जल्द कालिंदी की काली सच्चाई बाहर आ जाने वाली है। न्यूज़पेपर में वो गलत न्यूज छपवाने वाली केतकी नहीं बल्कि कालिंदी ही थी। यह वरदान के सामने सच्चाई आ जाने वाली है, ताकि कालिंदी को फिर से एक मौका मिल सके और वो वरदान की जिंदगी में एक बार फिर आ जाए और वो वरदान को अपने प्यार में फंसा कर उससे शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि क्या वरदान की शादी कालिंदी के साथ होनी चाहिए या फिर नहीं, और केतकी के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।